सब पर। तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हो? बढ़िया हो? बहुत बढ़िया। ही रोज फिर एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। बस अभी रेडी हुआ हूँ, सब लोग जा चुके हैं। चन्नी की बेटी रूबानी का भी बर्थडे है तो सीधा वहीं जा रहे हैं। अभी मैं लेट हो गया थोड़ा सा एडिटिंग के चक्कर में, अब मैं रेडी हो गया, मैं निकल रहा हूँ। तो बाकी देखते हैं, आपको अब मिलवाता हूँ सबसे, उसके बाद नए दिन की शुरुआत करते हैं बढ़िया सी। तो इनसे मिलो, ये हमारे चन्नी जी के पापा, मतलब जो मेरे जिया जी के बड़े भाई, हमारे तो अंकल है पर मैं इनको पाजी बोलता हूँ। हाय, मैं इनको पाजी बोलता हूँ, बड़े भाई है हमारे ये। चलो जी चले फिर, बस सारे जा चुके हैं, अब बस मेरी वेट कर रहे थे, हम दोनों अब जा रहे हैं। सॉरी मेरे से लेट हो गया पाजी। वो भी तो आ रहा है, सोनू आ रहा है, अभी बात हुई है, बात कर लेते सोनू अगर आ रहा साथ चले गए। चलो हम चलते आ जाएगा, सोनू पूछते हैं क्या। मैं और पाजी वो तो हम निकल चुके हैं। काफी हो रही पार्टी, लोटस मतलब बैंक्वेट है, नया खुला है तो बर्थडे जो हो रहा है वो फर्स्ट फ्लोर पे हो रहा है। पाजी कह रहे हैं हम लिफ्ट पे जाएंगे, मैं लिफ्ट पे चलो। तो जी इधर आवाज आ रही है, रुबानी बर्थडे आओ मिस्टर सेठी साहब, रिंकू जी हैप्पी बर्थडे। यहाँ बर्थडे पार्टी चल रही है बढ़िया सी। टैटू बनाया आपने? वेरी गुड। तो देखो अपना क्या हो रहा है, बस आपके सामने पार्टी चल रही है, आप तो लेट आते हो एज यूजुअल। यार देखो भाई, यार बहुत काम होते हैं, क्या करें, काम हमें भी है। देख रात को 2 बजे सोए, हम भी 2 बजे, तो मेरे उठ के एडिटिंग भी किया, बाकी लोगों को दिखाई है ना, तो हमने भी अपनी साइड पे बात करी है, वो बात करना एडिटिंग करना, बोला आपका काम काम हमारा काम काम नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आपको माफ है, आप छुट्टी पे आए, आज बर्थडे भी है, बर्थडे भी है, छुट्टी पे भी आए, छुट्टी पे आए हां पाजी हंस रहे हैं। खाओगे आप? नहीं जो खाते तो है नहीं बना जो के देखो तो पापा जी को बहुत बहुत बधाई हो बर्थडे की। आपका बर्थडे की रात को केक कटिंग और रात को पार्टी। ये हमारा छोटा सा वारिस सिंह जो कुछ बोलता ही नहीं है, है ना? सिटी मिट्टी गुल हो जाती है, गुल हो जाती है, सही बात है। रानी हैप्पी बर्थडे। तो ये रितेश भैया चन्नी के बहुत खासम खास फ्रेंड है, मेरे बचपन के फ्रेंड है, बहुत प्रिय है, और पुलिस सर्विस में राजस्थान की पुलिस सर्विस में सेवाएं दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा जी मिलके आपसे, इतने हेल्पफुल है, बहुत बहुत अच्छा लगा जी। मुबारक हो इसकी बहुत बहुत कुर्बानी के बर्थडे की, बढ़िया थैंक यू। ये दोनों मियाँ बीवी देखो अच्छी रोड़ी है ये देखो, सेल्फी का टाइम नहीं है लोगों को यहाँ पे। मुबारक हो बुआ जी को, थैंक यू थैंक यू। इनसे मिलाऊँ, ये चन्नी की सिस्टर है और ये हनी भैया का बेटा, चन्नी के चाचा का बेटा मनी। तो यहाँ पे टैटू बनाया जा रहा है बच्चों का, ब्रह्म ने खंडा बनाया है, वेरी गुड। आप दो बना रहे हो और ब्रह्म, ठीक है, वेरी गुड। ये बड़ा सही स्टाइल है बनाने का भाई साहब। आ गया तू? हाँ भाई, होवे क्या हाल है तेरे? ठीक है, बड़े रईस लोग, अमीर अमीर लोग आ गए, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। क्या हुआ, क्या खेला आपने? बलून राइस। वो कैसे होता है? आप एंजॉय कर रहे हो ना यहाँ पे, मजा आ रहा है ना आपको, बोर तो नहीं हो रहे ना? वेरी गुड। अभी होएंगी भाई, पहले कुछ खा लो। हाँ वेरी गुड। बनवाए जेपी का है भाई, जेपी जगमोहन सिंह तो नाम इनका है, पर जेपी क्या है? इनकी वाइफ पिक्की। अच्छा वाइफ का कहाँ है, भाभी कहाँ है? हाँ जी भाभी पिक्की है ना, आपका नाम पिक्की है ना पक्का? ये देखो बड़ा प्यार करते हैं आपको, जेपी है। मैं कहा जेपी क्या है,
जे से जगमोहन समझ में आता है पी क्या है। आप बढ़िया है यार, आप अकेले अकेले शुरू हो गए यार, मुझे पूछा भी नहीं। खाओ 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 खाओ, यहाँ बच्चे खाना खा रहे हैं। ओए ये क्या हो रहा है, क्या बात है भैया, भैया क्या बात है, अच्छा बन टैटू शैटू बढ़िया। आरू ने नहीं बनाया, अभी बनेगा, आप भी बनाओ। कहाँ गायब हो गए, ढूंढ रहा हूँ कोई, जैसे अभी एक्टिंग मत करो, बड़े एक दिन एक्टिंग की समझिए, बड़े दिन झगड़ा नहीं चाहिए मुझे। क्यों नहीं आपके साथ सोया नहीं मिला, आपको पागल हो गए आप। अब क्या आप खाना खाए, चुप आओ, चलो खाना खाओ, चलो बहुत अच्छी लग रही है आपकी आज, कमाल है। हाँ जी खाना हो जाए फिर, लग गया, चलो आओ फिर स्टार्ट करें, आओ बैठो, चलो आओ आओ भाई शेट्टी साहब, खाना आओ यार, आओ दीदी खाना लग गया, आ जाओ। तो अभी चन्नी की बेटी का बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग आए हैं, तो लोटस होटल है, खाना मैं क्या, तो एक बार खाना बहुत मजा आया, बहुत अच्छा एंजॉय किया। तो ये भाई का मैनेजर है, वी मैनेजर है, ये शेफ है, इन्होंने बढ़िया खाना खिलाया, बहुत अच्छा लगा जी। और ये यहाँ का सबसे फाइनेस्ट होटलों में से एक है, लकोटा का छोड़ गया आपको, बड़ी बड़ी से बड़ी पार्टी करनी हो, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादियाँ तक सब इनका बहुत अच्छा है, बढ़िया है। मतलब कोटा आओ तो आप यहाँ रूम भी रखते हो, रूम भी है, रूम भी बहुत अच्छे रूम है, मेरा नाम लेना ना, स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, बिल्कुल मिलेगा, बस याद कर लेना उनको, बोल देना एक बार। नमस्कार सर, मेरा नाम संजय, और जो भी सनी बाजी के यहाँ पे आएंगे फॉलोअर उन पे, उनके लिए हमारी तरफ से स्पेशल, जो भी हम आपके लिए कर पाएंगे बिल्कुल करेंगे, ठीक है जी, थैंक यू। और विनर है, ये ही लेगा, नहीं ये नहीं लेगा, मैं ही ला दूंगा, किसको ला, वो देख रहे हिल गया ये तो यार, हिल गया भाई, चीटिंग मत कर। भाई साहब ये लोग बोल रहे हैं कि रात को बर्थडे पार्टी कहाँ दे रहे हो, तो मैंने गलत क्या बोला है कि जगह तुम्हारी बिल मेरा, यही बोलूंगा ना, बोला है कि जितने मर्जी गेस्ट बुला लो भाई, 70 और बुला लो, तो हमने तो अपने 20 गेस्टों को बुला लिया, 70 और बुला लो, कोई टेंशन नहीं भाई साहब, 70 नहीं 170 के करीब, मैं तुम्हारे शहर आऊं, जगह तुम बताओगे, 170 हो जाएंगे, 270 हो जाए। तो ये चन्नी को ही गेस्ट से मिलवा रहे हैं, कौन है जी, हमारे प्रोडक्शन फ्रेंड है दीप मनचंदा, उनकी वाइफ है मनु मनचंदा, और ये केक भी बनाती है, चलो खा के देखेंगे कभी। अच्छा इन्हें कभी बनाया था, मेरा भाभी ने बनाया था ना एक केक तो, अच्छा इन्होंने बनाया था, मैं तो उसने भाभी ने बनाया, क्या मिला आपको, रिटर्न गिफ्ट मिल गया आपको, थैंक यू बोला अरुण चाचा को, हैं वेरी गुड, ओए आरू को भी मिल गया, एरन आरू बुला रहे हैं, एरन आपको गिफ्ट मिल गया, क्या मिला आपको, सरप्राइज गिफ्ट है, बहुत बढ़िया वेरी नाइस। भाई सीमा बिरयानी पे ट्रीट दे दू शाम को, क्यों दीदी भाई ठीक है, ट्रीट तो ट्रीट है, या बढ़िया बंदा, नहीं मैं अच्छी जगह लेके जा रहा हूँ दीदी, चलो चलो चले, चल भाई ओके, बहुत बढ़िया पार्टी, बहुत एंजॉय किया, अब घर मिलते हैं, घर मिलते हैं, आओ घर पे ही प्रोग्राम है ना, हाँ घर पे ही प्रोग्राम है, चलो तू के अंदर गॉगल में नहीं घूम रहा है, चलो चलो। ये क्या मिला आपको, कैमरा बबल वाला, बबल वाला कैमरा, वेरी गुड, अभी रख लो बाद में खेलना, अभी रूट जाएगा, दिल्ली आके खोलना भाई, रात को मेरा बर्थडे बनाना नहीं बनाना, बताओ जगह बता नहीं रहे तुम यार, चिट डलेगी, मैं कह रहा हूँ बाहर ठेले में चलते हैं, बढ़िया ट्रीट दूंगा, क्यों बड्डू भैया कहीं भी चलो चलो सही भाई, वो देंगे, मैं अपने ना शॉर्ट्स जो है वो दिल्ली भूल आया हूँ,
तो कल रात को तो मैंने किसकी मांग के काम चला लिया मैंने, अब इनको बोला भाई साहब लेके दो, अब ये लेके जा रहे हैं कौन सी दुकान में लेते हैं देखो। पैदल ही चलते हैं मार्केट, गाड़ी में चलो ना यार। अरे यहाँ का जो मेन मार्केट है पार्किंग की प्रॉब्लम आ जाती है ब्रदर, वहाँ पर चलते हैं। चलो अब जा रहे थे धूप में पैदल लेके जा रहे हैं, राजस्थान की गर्मी आपको पता ही है भाई साहब, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना, पर ये है बंदे बड़े मस्त हैं। मतलब शादी तो बाद में हुई है इनकी, हमारी दोस्ती यारी भाईचारा पहले से ही है, मतलब कट्ठे हम इतना घूमते हैं, इनकी ओपन जिप्सी थी, जिप्सी लेके हम कहाँ जंगलों में निकल जाते थे यार, यार वो दिन थे इनको भैया, है ना, वापिस आने चाहिए वो दिन, गोल्डन टाइम था वो वाला। वैसे हम सोचते हैं इस ट्रिप पे भी ट्रिप ऐसा बनाना चाहिए, बिल्कुल है ना, जल्दी बनाएंगे, बनाएंगे जल्दी, दिखाएंगे आपको भी। अभी कोटा आता हूँ ना तो भाई को जरूर मिलने आता हूँ, तो भाई से भी टी शर्ट लेने आया था, भाई को पता लगा आज मेरा बर्थडे है तो भाई साहब ने केक वेक सब मंगाया, तो ये हमारा ऋषि भाई है, हैप्पी बर्थडे सनी भाई, थैंक यू भाई। तो अब यहाँ केक काट रहे हैं बढ़िया सा, बर्थडे टू मी, थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू, याद रखा, गॉड ब्लेस यू भाई, इनको भी खिला रहे हैं, मुंह में मत लगाना, ये खिलाऊंगा ना सनी, हाँ ये खिला दे, थैंक यू। तो भाई साहब तीन चार शर्टें भी ले ली बढ़िया बढ़िया सी, आपको दिखाएंगे पहन के, हैं आओ दिल्ली भाई, तुम भी बड़े टाइम बाद मिला हूँ, देखो मैं आज है ना, टाइम बाद मिले मेरे ख्याल से, आराम से, अब आज पार्टी करते हैं, पार्टी पार्टी भाई, तो बचपन का जाना है अपने भाइयों के साथ में, मतलब मेरा तो बचपन ही कोटा बीता, जब स्कूल की छुट्टी होती थी वहाँ ही कोटा थे, और जाना का होता था, सनी भाई के साथ इतनी मस्तियाँ फन मारी है, बड़े बड़ी मस्ती की हम लोगों ने, थैंक यू भाई ऋषि बहुत सारी शर्टें देने के लिए, है ना, मिलेंगे ठीक है जी, चलो जी जी। तो ये देखो भाई साहब आईफिल टावर एक कोटा में भी है, हमने फ्रांस में तो सुना ही था, पेरिस में है ना भाई, तो कह रहे हैं यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के 7 वंडर्स हैं, हम आपको दिखाएंगे अंदर जाके कल, अभी हम आपको बार बार से दिखा रहे हैं, तो हमारे भैया हमें कोटा दर्शन करा रहे हैं, ये भैया अभी आपने आईफिल टावर देख लिया, हाँ, अभी आपको दिखाते हैं लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा, हाँ वो भी देखेंगे, फिर ताजमहल भी दिखाएंगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी दिखाएंगे, कोलोसियम भी दिखाएंगे आपको, सारे 7 वंडर, हॉवर्ड ब्रिज भी है वहाँ का, मेलबर्न का, अरे मेलबर्न का है भाई, देखा भाई, हाँ वो भी है, वो भी है, अभी ये देखो ये लीनिंग टावर, ये लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा जो टेढ़ी हो रही जो कभी भी गिर सकती है, अभी तो बहुत साल चलेगी वैसे ज्यादा मुझे लगता है, इसकी क्या स्टोरी है भैया, ये भाई ये झुकती जा रही है, हैं अभी पता नहीं कितने साल चलेगी फिर गिर जाएगी, अच्छा, और ये नीचे का दलदल है, ये आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आपने जो भाई अमेरिका नहीं जा पाते उन बेचारों को मैं ये दिखा दूं, वो कोटा आके देख ले, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है प्रॉपर, ये देखो, और वो पीछे देखो हॉवर्ड ब्रिज भी दिख रहा है आपको, मेलबर्न सिडनी में जो है, मैंने मेलबर्न बोल दिया था सॉरी भैया, ये तो आपने देखा ही होगा, ये ताजमहल तो हमने देखा ही हुआ है, अब यहाँ पे भी छूट दिखा दे, ताजमहल कोटा में भी है, ये देखो, तो कैसा लगा आपको फिर ये 7 वंडर, अभी आपको मैंने 4 दिखाया है, 7 नहीं दिखाया, नहीं अभी आप ये भी दिखा दो ना, क्या ये इजिप्ट, हाँ ये इजिप्ट की पिरामिड्स भी, हाँ सही बात है, पिरामिड्स दिखा दो आप भाई, पेड़ आ रहा है बीच में, हाँ ये अब आ गया सही, ये इजिप्ट का पिरामिड है भाई, फिर भी क्लियर नहीं है, कोलोसियम दिखा दो, हाँ कोलोसियम भी है, हो रहा वो भी इटली में है, रोम में है ना, रोम में इटली में ना, अभी 8 माम दिखाए थे पीछे मुड़ के, वो देखो जी, देखा आपको क्लियर नजर आएगा, तो ये भाई साहब 8वां जुबा देख लो, पीछे 3 बंदे हैं, कौन सा बता दे हाथ खड़ा करके, तू है तो नहीं 8वां जुबा भाई, अब कहाँ चल रहे हैं भाई साहब, अब आपको और बाकी चीजें दिखाएंगे, बाकी चीजें दिखाएंगे, मतलब कोटा में बहुत तरक्की हो गई, जब मैं आया था तब इतनी तरक्की नहीं थी भाई साहब, 4 साल बाद आया हूँ मैं आज भाई, 1 साल पहले आया था वो भी 2-4 घंटे के लिए आया था, तब इतना घूमा नहीं था भाई साहब, ये महिला कार्ड का मतलब समझ नहीं आया, आप समझाओगे, ये तो हमें भी नहीं पता, तुम यहाँ रहते हो, पुराने जमाने का है यार, राजा महाराजा पहले का है, अच्छा पुराने जमाने का है, बहुत पुराना है भाई, पहले क्या है ये जो किला था ना, ये दिखाओ आप, ये किला है, मतलब ये किले की बाउंड्री है जो राजाओं का था ना, ये सामने वाला, हाँ तो ये इधर एक घाट था, तो ये जो महिलाएं वगैरह है वो घाट पे अपने कपड़े वपड़े धोने और नहाने आती थी, लेडीज जो थी ना उस जमाने की, तो इसलिए तब से इसका नाम महिला घाट ही रखा, तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो बीचों बीचों पेड़ देख रहे हैं ना आपको, वो एक मंदिर है, उसको जल मंदिर कहा जाता है, बोट में जाते हैं, आजकल ये बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे, बोट वोट बंद है, तो बोटिंग चालू होती है, तो पक्का जाता जरूर वहाँ पे दिखाने के लिए आपको, मगरमच्छ भी है यहाँ पे, तो मगरमच्छ मेरे को थोड़ा कुछ कर रहा है, ले गया खींच के, फिर ऐसे ले जाएगा मगरमच्छ की इतनी हिम्मत, हमें खींच के ले जाए, थैंक यू मिलने, गिफ्ट लाए हो 24 अंडे पूरे खाओगे, मैं अंडे का मैं गिफ्ट अंडे दोगे भाभी, कोई बात नहीं, यही उम्मीद थी आपसे, ये मुर्गी ने दिए, चलो देखो भाई साहब कोटा का मॉल है एक बढ़िया था, अब तो बड़ी ज्यादा तरक्की हो गई, और वो पीछे सारे जो आप देख रहे हो वो इंस्टीट्यूट है मेडिकल के,
और आपको पता होगा कोटा में भाई साहब मेडिकल की पढ़ाई जो होती है नंबर वन है इंडिया में। मेरा एक लाख से ऊपर छूटी नहीं आपने कोटा में, ढाई लाख से ऊपर, एक लाख रुपये टाइम पे, मतलब डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। तो ये सारे पीजीज कह सकते हो आप जहाँ बच्चे रहते हैं, मतलब ये पूरा जो एरिया हम घूम रहे हैं सारा स्टूडेंट से भरा हुआ एरिया है। जैसे ये एलएन है तो एलएन में अकेले में 1.25 लाख से ऊपर बच्चे हैं इस इंस्टीट्यूट में। ये एलएन मतलब इसके बहुत सारी क्लासेस हैं, ये एक क्लास है। अच्छा जी। हाँ, ये सामने रेजोनेंस है, इसके 50-60,000 बच्चे हैं। अच्छा जी, 50-60,000 बच्चे इसमें पढ़ते इसमें, हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। सही है भाई, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग है, तो टोटल 2.5 लाख से ऊपर बच्चे हैं। सही है भाई साहब, मतलब ये जगह भाई हैपनिंग होगी पूरी, जो बहुत हैपनिंग है। और ये मॉल है, एक ये मॉल भी है। आ, और इसके जस्ट पीछे अपना ऑफिस है। और वो तो मेरे को पता है अपना ऑफिस, तो भाई साहब की वर्कशॉप भी पीछे ही है। कोटा का पहला मैकडी भी यहीं पे है। हाँ, कोटा का पहला मैकडी ये खुला था, मेरे को ये याद है। ये मॉल जब खुला था और भाई साहब ये फ्लाईओवर बन गया इतना बढ़िया, पहले था ही नहीं, जो शीशा गंदा। और ये फ्लैट भी नए बने हैं यार, ये पूरे है ना, मतलब इतनी तरक्की हो गई भाई साहब, मजा आ गया। स्मार्ट सिटीज हो गए, वो मतलब पीछे जमीन देख रहे हो, उसके पीछे अपना ऑफिस है पूरा। दिखाएंगे कभी दिन में आके इन भाई साहब के ऑफिस, दिखाएंगे आपको पहले थोड़ा। कल जो हम एक दो जगह घूमने जा रहे हैं वहाँ से आ जाए, आके आपको इनका भी ऑफिस दिखाऊंगा बढ़िया था। तो भाई साहब बिल्कुल ठीक है ना भाई साहब, ये कोटा का एयरपोर्ट और इतना बड़ा एयरपोर्ट है ना, मेरे ख्याल से इतना बड़ा एयरपोर्ट पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं होगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट एयरपोर्ट देखना भाई, धीरे रखियो। हाँ, छोटे छोटे जहाज आते हैं यहाँ पे, ये देखो एयरपोर्ट, मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोठी तो हमारे गुड़गांव में होगी ये एयरपोर्ट है। ये दिन में दिखाऊंगा पूरा क्लियर। मैंने बॉम्बे में चौपाटी देखी होगी, पर हम आपको यहाँ पे भी चौपाटी दिखा रहे हैं आज। ये मत बोलना, पेड़ बीच में आ गए। नहीं दिन में नहीं, ये रात में दिखा रहा हूँ। ये पूरी चौपाटी है ये कोटा की, नहीं पीछे मार्केट नजर आ रही है ना हल्की हल्की। ये पान वाला है जी यहाँ पे, प्रभु पान। अच्छा, नंबर वन पान वाला है। अच्छा जी, जिसको खाना आके खा लेना, बहुत बढ़िया पान। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं है ना, ये सोनू गिफ्ट दे रहा है। अबे अंडर गारमेंट गिफ्ट कौन देता है? अरे अंडर गारमेंट नहीं है, इसके अंदर बड़ा कुछ देख रहे यार। नहीं नहीं, अंडर गारमेंट नहीं, टी शर्ट है। टी शर्ट है, फिर ठीक है। दीदी ने भी टी शर्ट दी है, थैंक यू दीदी। वेलकम वेलकम, दिखा दो दीदी की टी शर्ट भी, दिखा दो भाई, खोल दो। हाँ भाई खोल दो, बढ़िया। हाँ थैंक यू दीदी। हमने तो वो चीज़ जो सन्नी को फिट आई से पहन के देखा कि मेरे को इन्होंने कच्चा दिया है, है ना? ये कच्चे मेरे को तो लग रहा है जॉकी का, तो वही आता है। तू जॉकी कच्चे पहनता क्या? हाँ दिखा, वो दिखाऊंगा। अच्छा मतलब अभी टी शर्ट लेके आऊंगा भाई साहब, 9:30 बज गए और ये औरतें तो जाने को तैयार नहीं है डिनर पे। चलो यार जल्दी करो यार, मैं लेट किया, मैं तो यार घंटे बैठा हुआ। चलो जल्दी करो, चलो कि मैं जल्दी लेट हो रहे हैं बेटे, जल्दी करो। चलो चलिए जगमोहन जी, चलो यार लेट हो गए, टाइम देखो 9:45 हो गए यार, बहुत ज़्यादा लेट है। क्या डिनर करेंगे? चलो है, चन्नी आ गया, चन्नी आ गया, कहाँ है? नहीं वो तो गया हुआ था ना, गेस्ट पहले आ गए, हम लेट आ रहे हैं, बताओ है ना। थैंक यू जी, थैंक यू। चल बर्थडे दी लाख लाख बधाइयां। थैंक यू भाजी, थैंक यू, आपने इतना प्यार दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है आज भाई साहब। लिफ्ट ऐसी, दो बंदे बड़ी मुश्किल से फंसे हम भाजी, नहीं अब ये खुली यहाँ से, बंद बंद यहाँ से हुई है, खुलेगी यहाँ से, ये कमाल है भाजी। नहीं ऊपर जा रहे हैं, इधर से खुलेगी, आप देख लेना। हाँ वो है ना डबल साइड वाली है, और लग गई यार चोट, आपको अच्छा नहीं लग रहा। हाय बेबी, थैंक यू। तो यहाँ पे हमारा फैमिली टेबल लगा हुआ है पूरा, यार अंधेरा है, लाइट प्रॉपर नहीं है, वीडियो बनानी है ना। हाँ लाइट नहीं है प्रॉपर, आपके फेस पे ग्लो नहीं आ रहा। तो ये देखो छोटा सा बच्चा हमारे लिए गिफ्ट लाया, जो मना कर रहे हैं, क्या जरूरत थी इसकी? अरे भाभी क्या जरूरत थी, चलो दे दो फिर, दे रहे हो तो अच्छी बात है, थैंक यू। ये लो भाई, ऑर्डर कर दिया भाई साहब, ऑर्डर कर दिया, कर दिया ना ऑर्डर, कर दिया ना भैया। ये आ गया हमारा पाइनएप्पल जूस, बढ़िया वाला, छिल्ले भाई साहब।
आइस कम है मेरे ख्याल से। एक गग्गू भाई साहब का भी आ गया। चेयर्स। हाँ जी आए और कुछ दीदी देख रही बोल ही नहीं। हाँ लाइट चालू हो गई ना, वीडियो अच्छी बन रही है। मच्छर आ गया, एक मिनट में आ गया। अच्छा लाइट इसलिए बंद की हुई है, मच्छर आ रहे हैं। भैया आप टिक्के खाते रह गए, वहां पे सिद्धलर भी पहुंच गया, हमको पता ही लगा। अच्छा वो इसका बात से आई है, बता दिया। अच्छा वो इसने आके बता दिया कि वहां सिद्धलर, हम लड़ रहे होते भाई, तूने बिल में हमें ऐड कर दिया, हमें पता ही नहीं। टिक्को भी रह गए, वहां सिद्धलर भी आ गया। वहां सिद्धलर भी आ गया, बता मानते हो? कह रहे हो? मैं कह रहा हूं केक आ गया। नहीं आपने कुछ और बोला था पीने के लिए। नहीं वो लाइम सोडा आया था ना, वो तो पी लिया। कुछ और हरा रहा, कुछ बोला था वो हरी चटनी। हरा टॉप आपकी बीवी ने पहना हुआ है, तो आप हरी क्या पीने को बोल रहे हो? मुझे आप पीते हो वो? बढ़िया केक तो काटो। केक आ गया, देखो क्या लिखा है केक। उल्टा है। भाई साहब सारा दिन बड़ा अच्छा पास हुआ, इसकी भाई की बेटी का बर्थडे भी था, मेरा बर्थडे भी था, तो बहुत अच्छा एंजॉय हुआ। ये भाइयों का स्पेशल थैंक यू करूंगा मैं, पता नहीं कैसे इनका गला उतारूंगा। भाई जो इन्होंने मेरा दिन इतना स्पेशल बनाया, इतना अच्छा एंजॉय हुआ, इतना बढ़िया बर्थडे, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पे आके इतना अच्छा बर्थडे मेरा मनेगा। ये सब इन भाइयों की वजह से हो पाया। सालों बाद ऐसा मौका मिला कि आप यहाँ आए। नहीं हमारा बर्थडे दिल्ली में होता तो आप नहीं करते? करते भाई, बिल्कुल करते। ये मेरा भांजा है, ये उसके चाचा का बेटा है, पर मतलब कट्ठे छुट्टी से लेके अभी तक खेल के बड़े हुए हम लोग। ये मेरे से 2 महीने छोटा है, ये 2 साल छोटा है, पर जो प्यार है ना बहुत है। हमने तो भाई साहब पैसा नहीं कमाया, ना कभी पैसे तो सोचा है कभी, सिर्फ इज्जत कमाई है भाइयों पर, प्यार कमाया है भाई। प्यार भी इसीलिए आपका पैसे से कोई वो नहीं है ना, इसलिए अपना प्यार है। आज अगर हम पैसे के पीछे भागे, आप भागो ना, तो अपना प्यार ही खत्म हो जाएगा। तो फिर यही तो बात है, सिर्फ रिश्ते हैं भैया, रिश्ते कमाए हमने और कुछ नहीं कमाया। तो भाई एक बात बताऊं आपको, तभी प्यार मिल रहा है लोगों में क्योंकि आप रिश्ते कमाना जानते हो। ये तो अभी बर्थडे था, अब जो अपना कल से प्रोग्राम है, अब आप वो कल कलम जा रहे हैं भाई साहब, आपको मैं बता दूं, डिस्क्लोज कर देता हूं, हमारी दूसरे से छुपाने की आदत नहीं है। हम बाद में वहां पहुंच के बताएंगे, हम पहले बता के जा रहे हैं। सुबह 8 बजे ये वीडियो अपलोड होगी और 11-12 बजे हम लोग उदयपुर मिलेंगे। जो मेरे को उदयपुर मिलना चाहता है मेरे को इंस्टाग्राम पक्का मिलेंगे, आपको भाइयों से ही मिलाऊंगा, ठीक है ना भाई? यस भाई बिल्कुल। तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, बहुत बढ़िया ब्लॉग बना, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू भाइयों, थैंक यू, चलो बाय बाय, गुड नाइट। नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब करना, गुड नाइट, बाय।